5G के इंतजार दोस्तों खत्म हो चुका है, ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च हो चुका है 5G। और आज हम बातें करने वाले 5G के जो फ़ोन वगैरह उसके बारे में, और 5G कौन कौन सी सीरीज़ में आपको मिलने वाला है और कितना स्पीड में मिलने वाला है, इसके बारे में आज हम बातें करने वाले हैं। तो दोस्तों आई होप कि आप सब जो जहाँ होंगे अच्छे और सकुशल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों 5G ऑफिशियली एक्चुअली इंडिया में लॉन्च हो चुका है। जियो और एयरटेल ये दो कंपनियां हैं फिलहाल 5G प्रोवाइड कर रहे हैं, और बाकी जो है दोस्तों वी आई का कुछ देर लगेगा लेकिन आएगा। और BSNL जहां तक सवाल है वो दोस्तों सोचना होगा। तो जो भी हो दोस्तों सुनने में आया BSNL का शायद 26-27 उन जो ईयर है उसमें शायद कुछ वो करें, लेकिन अभी पता नहीं, देखा जाएगा। तो जो भी है दोस्तों अभी फिलहाल तो जियो और एयरटेल का ही है, ये दोनों हम यूज़ कर सकते हैं। अभी क्या है कि दोस्तों एयरटेल का अभी फिलहाल तो 8 सिटीज़ में ही इंडिया का अवेलेबल होगा, और जियो का है दोस्तों जो 4 मेट्रो सिटीज़ है उन 4 मेट्रो सिटीज़ में ही अवेलेबल है। और दोस्तों एक्चुअली क्या है कि 5G का जो मिनिमम जो स्पीड है, स्टैंडर्ड स्पीड है, वो एक्चुअली 1 GBPS है। अभी जियो का जो है वेलकम ऑफर भी आने वाला है, और उससे पहले कि कुछ चुनिंदा लोगों को वो ट्रायल बेसिस जियो देने वाला है कि आप जितना मर्जी यूज़ कर सके। वो एक्चुअली जैसे कि हमारे कुछ ऐप वगैरह का बीटा वर्सन जैसे होता है, वैसे ही ट्रायल वर्सन कुछ देगा, उसके बाद शायद वेलकम ऑफर वगैरह सब आ जाएगा, तब देखा जाएगा कैसा क्या रेट वगैरह है। लेकिन वो दोस्तों एक्चुअली 4G से तो काफ़ी महंगा होगा, 4G का जो हमारी टेरिफ है उस टेरिफ से ये 5G का टेरिफ काफ़ी महंगा होगा। अभी देखा जाएगा कि टाइम पे कैसा क्या टेरिफ वगैरह वो लाते हैं। अभी फ़ोन का जहाँ तक सवाल है दोस्तों, फ़ोन जो एक्चुअली दोस्तों आप एक बात सोच के देखिए कि जब इंडिया में लॉन्च हुआ ही नहीं था 5G, तभी जो कुछ मोबाइल कंपनियाँ वो 5G का फ़ोन लॉन्च कर चुके हैं। लेकिन अभी क्या है कि दोस्तों कुछ जगह से सुनने में आया कि 5G का जो स्पीड वगैरह है या 5G जो स्टैंडर्ड जो स्पीड है वो एक्चुअली वो 5G फ़ोन में काम नहीं कर रहे। इसका मेन कारण है कि दोस्तों यहाँ की जो हमारी मोबाइल कंपनियाँ जो 5G का जो स्टैंडर्ड होता है, जो स्पेसिफिकेशन होता है एक फ़ोन का, वो फ़ोन शायद कंपनियाँ वैसा लॉन्च नहीं किया है, या फिर उसकी जो प्रोसेस वगैरह है या चिपसेट वगैरह है वो वैसा स्टैंडर्ड नहीं है। तो अभी अपडेट वगैरह ला रहा है, मतलब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ये दोनों का एक्चुअली ज़रूरत होता है। तो ये दोनों में शायद कुछ खामियां होगी शायद, इसके लिए कुछ अभी जो स्टैंडर्ड जो स्पीड है वो 5G का नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों अभी क्या है कि जो पहले 5G फ़ोन जो ले चुके हैं, खरीद चुके हैं, उनके लिए यही एक मैं कहना चाहूँगा कि अभी दोस्तों सॉफ्टवेयर के जो अपडेट वगैरह कंपनियाँ दे रही हैं कुछ। और दूसरी बात है कि दोस्तों अगर आप नए फ़ोन खरीदना चाहते हैं 5G का, तो ये तीन चीज़ें आप अच्छे से ध्यान में रख के ही नेक्स्ट 5G वाला फ़ोन खरीदें। एक्चुअली दोस्तों जो तीन जो मेजर स्पेसिफिकेशन है, जो मेजर चीज़ें हैं, वो मेजर चीज़ें में दोस्तों पहला है दोस्तों चिपसेट। 5G जो चिपसेट है वो 5G चिपसेट एक्चुअली बहुत अहम रोल निभाता है 5G मोबाइल में। उसका जो पहला है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 का, दोस्तों क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 का जो चिपसेट है वो है। और दूसरा है दोस्तों MediaTek Dimensity का जो सीरीज़ है, ये दो एक्चुअली फ़िलहाल तो मार्केट में अवेलेबल है 5G एनेबल आपका चिपसेट। और दोस्तों तीसरा है दोस्तों एक्चुअली बैंड, मोबाइल का जो बैंड है दोस्तों वो फिलहाल तो मार्केट में दोस्तों एक्चुअली ज़्यादा से ज़्यादा जो पुराने वाले जो 5G फ़ोन वगैरह उसमें एक्चुअली 2 या 1 बैंड के ही वो 5G फ़ोन आते थे। लेकिन उसमें क्या है कि मिनिमम आप 8 बैंड के जो है वो आप खरीदने की कोशिश करें, तब शायद आपको कुछ स्पीड वगैरह 5G का मिल जाए। लेकिन अभी क्या है कि दोस्तों पहले जो आपका 5G फ़ोन वगैरह आते थे तो उसमें क्या है कि दोस्तों बैंड वगैरह की जो हालात, मतलब बैंड वगैरह की जो बहुत ही कम था, जिसके लिए उसको स्पीड वगैरह मिलना बहुत ही प्रॉब्लम रहा। अभी जब ट्रायल वर्सन कहीं कहीं में 5G लॉन्च हो चुका है, उसमें जहाँ तक 1 GBPS का स्पीड है, लेकिन वो बैंड वगैरह की कमी से उसकी स्पीड वगैरह भी घट रही है। और जो चिपसेट है उसका भी अहम रोल है दोस्तों, और जो चिपसेट है दोस्तों फिलहाल मार्केट में 2 ही है, मैंने दोनों का नाम बता दिया। एक्चुअली ये ध्यान पे रख के ही आप जो 5G फ़ोन है नेक्स्ट आप वो खरीदें। एक्चुअली ये ध्यान पे रख के ही आप अपना जो 5G फ़ोन है वो खरीदने का कोशिश करें दोस्तों। और एक्चुअली क्या है कि दोस्तों अभी जो हमारी पुरानी 4G सिम है, वो सिम में ही हमारी जो 5G है, अगर आपका हैंडसेट 5G है तो सिम बदलने की ज़रूरत नहीं है। एयरटेल जियो दोनों ही वो पुराने वाली सिम में ही वो अवेलेबल करेगा, उसमें जो 5G का जो सेटिंग वगैरह है वो चेंज करके आप 5G का जो मज़ा है वो ले सकते हैं। अभी जहाँ तक सवाल है कि दोस्तों 5G हम यूज़ करें या 4G, तो मेरा जहाँ तक कहना है दोस्तों 5G जो है वो लेटेस्ट है। वो अभी क्या है कि हमारे
ये वाले जनरेशन का ये है वो पूरा वर्ल्ड अभी क्या है कि दोस्तों 5G में ही चल रहा है, तो हमें 5G लेना चाहिए। और लेकिन दोस्तों हमारे इंडिया में क्या है कि 5G लॉन्च होने में थोड़ा वक्त लगेगा, टाइम लगेगा। तो इसके लिए क्या है कि दोस्तों अभी हमारी जो 4G का जो सिम वगैरह है, 4G जो हम यूज़ कर रहे हैं, तो 4G फिलहाल कुछ टाइम तक हम 4G ही यूज़ करें, 4G ही दें। अभी जब इंडिया में जब पूरे लॉन्च हो जाएगा फुल फ्लेज्ड, तब शायद हम 5G का हम यूज़ कर सकते हैं, या भी 5G फ़ोन वगैरह भी लें। नया फ़ोन वगैरह आप लेना चाहते हैं तो 4G फ़ोन जो है वही लें, क्योंकि अभी 5G फ़ोन वगैरह भी उतना अच्छा हाई क्वालिटी का नहीं आ रहा है मार्केट में। जैसे कि मैंने अभी कुछ स्पेसिफिकेशन की, जो 3 मेन स्पेसिफिकेशन है उनके बारे में बताया, वैसे उस टाइप का फ़ोन वगैरह अभी मार्केट में नहीं अवेलेबल है, या है भी तो वो ज़्यादा प्राइस के हैं। तो दोस्तों अभी जब प्राइस वगैरह घट जाए या फिर हैंडसेट वगैरह जो अच्छी आ जाए वो आने के बाद ही अब नेक्स्ट 5G पे मूव करें। तब तक इंडिया में आपका फुल फ्लेजर 5G एस्टैब्लिश भी हो चुका होगा। अभी क्या है कि एस्टैब्लिश होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो 5G यूज़ करने में हमें अच्छा ही होगा, उसका स्पीड वगैरह भी अच्छा मिलेगा। 1 GBPS वो दोस्तों एक्चुअली मामूली नहीं है, आप तुरंत मतलब गाने वगैरह, फिल्म वगैरह या कोई भी फाइल आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, वो काफ़ी है दोस्तों। तो यही एक छोटा सा दोस्तों एक अपडेट देने का कोशिश कर रहा था मैं। अगर आपको अच्छी लगी हमारी ये छोटी सी चैनल की छोटी सी वीडियो, तो हमारे इस चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।